एकडे एएमपी एक कायनाती सेठ यूजा माता सेठ हो जंत है ठिन जा रुकन लो इति असा के ए सेठ मिलेला है ऐ बी पे मिलेला है यू जा रुकन भी मिलेला है ए में छा मिलेला है उ है एक बद्दी मुसबत अदद एक बद्दी मुसबत अदद केड़ा हुंदा जेके 2 4 6 अच्छा ये न बदी मुस्बत दन आई सागे चे तो डैन का घटन तब 2 4 6 तो ए बराबर थियो 2 4 6 8 जी आई बी चे तो एक मुस्बत 21 अदद आए जे जी वैल्यू बे 10 का घट आए तो मुस्बत 21 अदद हुंदा ने 1 2 5 7 9 आई यू एक सजो अदद आए जे जी वैल्यू बे 10 का घटन तो 1 2 3 4 सजा अददन ये जेके विंदे 9 ताई इत यू जी वैल्यू मिले लाए ठीक है यू एक कायनाती सेट है हाँ इन जहाँ चाहे तो हेठि जहाँ रुकन लो सब का पहले जो सो नौ नंबर आ जैमें चाहे तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स लेने लाए अस पे बी की कॉम्प्लीमेंट लहदी तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट यानी यू में कट थन्दा इन लाइ अस पे यू जहाँ रुकन लिखासी यूनिवर्सल सेट जहाँ तो उन बी की वैल्यू कट करे छींदी तो असा जो सो बी कॉम्प्लीमेंट्स वैल्यू मिली ठीक है तो बदी जो बदी अदद मिला छो तो उन यू में जे से 21 अदद व्याल यूनिवर्स सेट में जी बदी अदद रहा उ मिली यानी बी कॉम्प्लीमेंट बराबर थो 2 4 6 8 के उन हाँ अस लहदी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स तो अस ए जहाँ रुकन लिखासी बी कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यू हुई वह लिखा जी अस मालूम कई है जो मालूम कई है वह 2 4 6 8 तो अस तो वैल्यू मिली हाँ जैसे असान सॉल्व कंदी तो ए यूनियन बी में खबर आ तक कह तो जी बिन्हीं में साग्या हूँ उ लिखा एकड़े में हूँ बे में हूँ तो उनके एक दफो लिखा ब दफा को लिखा तो ये इन वैल्यू थो तो हाँ ये इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर थो ए जे छो तो ए जे मथे जो तो 2 4 6 ए यूनियन बी यानी यह वैल्यू जी हि है या बराबर आ ए जी तो इन आंसर में लिखी छूँ था यो थो ए जे इन सवाल में अस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स लेनो है तो सब का पे असो ए कॉम्प्लीमेंट लहदी तो ए कॉम्प्लीमेंट लाइ असो यू में ए की वैल्यू कट कंदी तो यू की वैल्यू लिखासी पे अस यू की वैल्यू लिखी उन अस यू में ए की वैल्यू कट कर छींदी तो असा ए कॉम्प्लीमेंट्स मिलन ठीक है तो बदी अद तो वा लिया बाकी बचा 21 अद जी 1 2 5 7 9 उन असो बी कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड कंदी बी कॉम्प्लीमेंट्स यू कॉम्प्लीमेंट्स जो कुछ हों यू में यूनिवर्सल सेट में कट कर यू की वैल्यू लिखी उन वही बी की वैल्यू कट कंदी ठीक है तो 21 अदद तो बाकी अस बचा बदी अदद हाँ असान जो ए कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स लहदी तो ए की वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यू अस मालूम कई जी 1 2 5 7 9 के बराबर है बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू अस मालूम कई जी बदी अदद 2 4 6 8 हाँ इन इंटरसेक्शन कंदी तो असा मिल खाली सेट ठीक है चौथे इन में को भी अदद साग को बदी अदद वो 21 अदद तो खाली सेट के असम लिखी सकूँ यो इन थो सौ नंबर 10 में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लेनो है तो तमाम आसान है सब का पे अस ए जो कॉम्प्लीमेंट्स लहदी कॉम्प्लीमेंट्स लेने लाइ अस ए के यूनिवर्सल सेट यू में कट कंदी तो असा ए जो कॉम्प्लीमेंट्स मिली वो तो ए कॉम्प्लीमेंट्स तो बदी अदद वा लिया बाकी असके 21 अदद बता उन अस ए कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन बी लहदी तो सब का पे ए कॉम्प्लीमेंट्स जहाँ रुकन लिखासी 1 2 3 5 जी अस मालूम कया उन अस बी कॉम्प्लीमेंट्स जहाँ रुकन लिखासी जी अस 1 2 3 5 7 9 हाँ इंटरसेक्शन में साग्या रकम लिखा जी बिन्हीं में सागी होंगी है इन में बिन्हीं में सागी जो सब साग्या रकम तो अस लिखा ये सब साग्या तो ये इनको इंटरसेक्शन मिली वो जो वैल्यू बराबर होंगी पी के क्वेश्चन में चल है तो यह वैल्यू 1 2 5 7 9 पर पी के बराबर है तो अस चई सूँ तो ये वैल्यू बी के बराबर है।
सिमेट्रिक बी मालूम करना है सब का पहले असा ए सिमेट्रिक बी मालूम कर ए की वैल्यू रखा ए जा सेट लिखासी बी जा सेट लिखासी असा कहसी सिमेट्रिक में जो सो सभी जहाँ ऑर्डर पान में मिले इनके सीक्वेंस में लिखासी ऑर्डर वाइज लिखासी यानी एक बे चार पाँच का वी नव तीन बिन्हीं में जो भी हों बिन्हीं में जो हों के मिले सीक्वेंस वाइज लिखासी ए जी बिन्हीं में हों ए में हों बी में हों तो उनमें एक दफो लिखासी तो असके सिमेट्रिक मिली वो हे असि तो यूनिवर्सल सेट के बराबर है तो असि चई सकता तो हि ए सिमेट्रिक बी जो सो यूनिवर्सल सेट के बराबर है पे असो बी जो कॉम्प्लीमेंट्स मालूम कहसी तो बी जो कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा यूम कॉम्प्लीमेंट जो हों यूनिवर्सल सेट में कट कर यू जहाँ रुकन लिखासी हाँ अस बी जहाँ रुकन लिखासी त यू बी जहाँ रुकन जी से इक्वी अदद इक्वी अदद मिल बाकी असि बधी अदद मिलंदा हाँ अस ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट्स लिंदी ठीक है तो ए जहाँ रुकन असि मिलल सवाल में उन बार छः अठ की बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू असा हाँ हाँ फाइंड कई है जी है बार छः अठ के बराबर है तो ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट्स लहने के लिए ए जे रुकन में बी जहाँ रुकन कट कर छींदी तो इतने सब जहाँ सब रकम कट थी बार छः अठ हो बार छः अठ यानी असा बचन खाली सेट बचन छो तो सभी सेट जहाँ रुकन वेल है जैसे अस हिं भी लिखी सकूँ था क्वेश्चन नंबर चौदह में ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी लहनो है तो सब का पे अस ए जो कॉम्प्लीमेंट्स लहंदी जैसे यू में ए की ए जहाँ रुकन कट कहसी तो असके ए कॉम्प्लीट मिली बदी अदद मिल बाकी असि पता इक्वी अदद हाँ अस ए कॉम्प्लीमेंट्स सिमेट्रिक बी लहंदी तो ए कॉम्प्लीमेंट्स जहाँ रुकन हाँ हाँ अस मालूम क्या जो बराबर एक टे पंज सत ये सेट अस वैल्यू है बी सेट की वैल्यू है एक टे पंज सत नव हाँ ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी में ही थो खाली सेट इनके अस हिं भी लिखी सकूँ था पंद्रह में ए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट्स मालूम करो है इनमें सब का पे अस ए जो कॉम्प्लीमेंट्स मालूम कहसी तो ए जो रुकन यू में कट कहसी तो असके कॉम्प्लीमेंट्स मिली वो हलो ठीक है तो बदी अदद वेल है बाकी बता एक अदद तो ए कॉम्प्लीमेंट मिली हाँ अस फाइंड कहसी ए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू अस वैल्यू फाइंड कई जी वन थ्री फाइव सेवन नाइन के बराबर है बी की वैल्यू असल है ऑलरेडी सवाल में जी वन थ्री फाइव नाइन फाइव सेवन नाइन के बराबर है तो इंटरसेक्शन में उगी वही वैल्यू लिखा जो बिन्हीं में सागी है तो इनमें सब जो सब वैल्यू सागी है बाकी अस लिखी हाँ अस फाइंड कहसी सजे जो कॉम्प्लीमेंट्स तो सजे कॉम्प्लीमेंट्स मालूम करने असो सजे के यू में कट कर छासी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के अस यू में कट कहसी तो असके ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट्स मालूम थी वो तो अस यू की वैल्यू लिखी यू में जो ए कॉम्प्लीमेंट बी की वैल्यू जो फाइंड कर लिखीसी तो वो इक्वी अदद इक्वी अदद में बधी तो सजन सेटन में इक्वी अदद वेल है तो बाकी असि बता बधी अदद तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बराबर थो ए जी यो थो।